हेलो भाई, मैं आपका अपना मैडी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज गाइस मैं आपके लिए बहुत ही औसम वीडियो लेके आया हूँ। आज गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक का केवाईसी फॉर्म अपडेट कैसे करना है आपको। तो चलिए गाइस इस वीडियो में बनी रहिए, लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको देखने मिलते रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइज आप यहां पे देख सकते हैं, ये अपना केवाईसी फॉर्म है। तो हमें इसे किस तरीके से भरना है, तो इसको गाइज अब हम भरना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं शाखा का नाम, तो यहां पे आपको अपने बैंक जिस एड्रेस पे है वो वहां का लोकेशन डालना है। तो मेरा जैसे कि आधारताल में है, तो मैं यहाँ पर आधारताल डालूंगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर डेट डाल लेना है जिस तारीख को आप ये फॉर्म को सबमिट करेंगे बैंक में, वो तारीख आपको यहाँ डाल देना है। तो मैं इसको करूँगा 30/10/2014, तो मैंने वो डेट डाल दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम नाम लिखा है, तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम देना है। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे देता हूँ। एंड एक चीज़ का याद रखना है, सब चीज़ कैपिटल में लिखना है आपको। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम है जेट्स, मध्य नेम मतलब बीच का नाम मेरा कुछ नहीं है। यदि आपका कुमार है तो आप यहाँ कुमार लिखेंगे। और जैसे कि अब यहाँ अंतिम नाम आया, तो अंतिम नाम पे आपका अपना सरनेम होना चाहिए। तो आपका जो भी सरनेम है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ग्राहक आईडी देना है, जो कि आपको पासबुक में मिल जाएगा। तो पासबुक से आप यहाँ ग्राहक आईडी निकाल के डाल देना। एंड इसके बाद आपको यहाँ खाता संख्या अकाउंट नंबर डालना है, तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे डाल देना। एंड इसके बाद KYC आईडी यदि उपलब्ध है, आपका KYC आईडी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हम तो फिलहाल ये KYC का फॉर्म ही भर रहे हैं जिससे हमें KYC करवाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपना लगा देना है। एंड फोटो लगाने के बाद यहाँ पे आपको अपना थंब या सिग्नेचर कर देना है। यदि बैंक में आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करना है, और थंब लगाते हैं तो थंब लगा देना है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ व्यक्तिगत सूचना लिंग बोला है पुरुष महिला, तो यहाँ पे हम मेल हैं तो हम यहाँ मेल डाल देंगे। अब जन्म तिथि पूछा है, तो आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। एंड यहाँ पिता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम डालना है आपको। अब यहाँ पे लिखा है माता का नाम मतलब कि मदर नेम, तो आप यहाँ अपने मम्मी का नाम लिख देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा है, तो यहाँ आप अपना एड्रेस डाल देंगे। अब यहाँ पे इसने पैन नंबर मांगा है, तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे गतिविधि लिखा है, आप जो भी करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं अब स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ स्टूडेंट लिख देता हूँ। यहाँ वार्षिक आय, तो अब मेरा वार्षिक आय कुछ नहीं है, अनुमानित वार्षिक आय भी कुछ नहीं है। आपका हो तो आप यहाँ डाल देना। जीवन साथी का नाम, जो जिनकी शादी हो गई है वो अपना यहाँ पे जो उनकी वाइफ होती है उनका नाम यहाँ पे डाल देंगे। मेरी नहीं है, मैं नहीं डालूँगा। इसके बाद हमें नीचे आना है, पहचान पते का विवरण। यहाँ पे आपको याद रखना है OBD वाला जो है वहाँ पे हमें कुछ भी फिल नहीं करना है, सीधे यहाँ नीचे आना है। यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डालना है, जिला जिला है जैसे कि मेरा जबलपुर, तो मैं यहाँ पे जबलपुर डालूंगा। राज्य मेरा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे MP डालूंगा। यहाँ पे अपना पिन नंबर डालना है, जो भी आपका पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। एंड उसके बाद सीधे आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे हाँ वाले पे टिक करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ नीचे ग्राहक के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको टिक अपना जो भी हस्ताक्षर है वो
कर देना है। एंड संपर्क नंबर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। एंड इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं केवाईसी कार्यालय प्रयोग हेतु, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि आपका ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दें, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यही रहा गाइस वीडियो, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने मिलते रहें। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस।